हेलो एवरीवन, बच्चों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सब लोगों के लिए। यदि कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका जेई मेन का तैयारी उसके हिसाब से नहीं है, या फिर उसे लगता है कि यार मुझे जेई मेन में अभी अच्छा ही स्कोर और मैं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, या फिर मुझे एक अच्छे रिविज़न या फिर कुछ भी मतलब ऐसा लगता है आपको, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। मैं टॉपिक्स का लिस्ट भी देने वाला हूँ और साथ में यही बताने वाला हूँ कि उन टॉपिक्स को कैसे करना है और उसमें मैं क्या मदद करूंगा, वो भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो इसीलिए पूरा इस वीडियो को देखिएगा, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है। और यदि चैनल में कोई भी नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ढेर सारे ऐसे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि बच्चा पार्टी, अभी हमारे पास 15 दिन ऑलमोस्ट बचे हुए हैं, ठीक है ना, जेई मेन के लिए। कुछ तो ऐसे ही निकल जाते हैं, तो 15 दिन पर मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो जेई मेन के उन 15 दिनों में हम क्या करें कि अभी भी हम फिजिक्स में अपने स्कोर को बढ़ा सके। जैसे कि आई नो दैट कि ऑलरेडी आप 20-30 नंबर तो पा रहे होंगे, 40 नंबर पा सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप और 30-40 नंबर बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना, जिससे कि आप फिजिक्स में 99% तक पहुंच सकें, तो ये आपको बहुत ही मदद करेगा ये वीडियो। ओके, देखिए मैं सीधा सीधा एकदम मुद्दे की बात करूंगा। मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा कि रात को कम खाइए, दिन में वो वाले कपड़े पहनिए, जलेबी चढ़ाइए तो आपके नंबर आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सीधा मुद्दे की बात पे आऊंगा, क्योंकि तभी ये कहलाएगा कि सच में मास्टर प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। देखो हम सब जानते हैं कि मेनली लास्ट के कुछ ईयर्स से हम लोग देख रहे हैं कि जो NTA का स्ट्रेटजी है पेपर बनाने का, वो जनरली किस तरह का, वी ऑल नो दैट कि वो एक तरह से देखा जाए तो वो पेपर जो बना रहा है वो फॉर्मूला बेस्ड बना रहा है, टोटली फॉर्मूला बेस्ड बना रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस। ओके, मतलब यदि कोई बच्चा अच्छे से सारे फॉर्मूला भी स्ट्रॉन्ग कर लेता है तो अपने आप को इंश्योर कर सकता है कि वो एटलीस्ट 25 में से 20 क्वेश्चन आसानी से कर सकता है, ठीक है। और फॉर्मूले में भी ऐसा नहीं कि किसी भी टॉपिक के फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन, नहीं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के क्वेश्चन ज्यादा देखे जाते हैं, ठीक है। सो यार यदि हम इस लास्ट टाइम पे स्मार्ट वर्क करें तो हमारे लिए ये भी पॉसिबल है, जो हम टारगेट यहाँ पे रख रहे हैं 99% का। सो मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आता हूँ। जो मैंने एनालिसिस किया हुआ है और जो मैं प्रीवियस लास्ट के 4-5 साल के पैटर्न और पैटर्न के अलावा यार बीइंग अ टीचर जो मैंने एज अ स्टूडेंट ऑब्जर्व किया था, जो भी मैं लास्ट के 7 ईयर्स में ऑब्जर्व कर रहा हूँ एज अ टीचर, उन सारी चीज़ों को मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक जो कि आपको एक तरह से फॉलो करनी है। ओके, दिस इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक दैट यू हैव टू फॉलो। ओके, सो मेक श्योर कि आप इन पर्टिकुलर सारे टॉपिक्स को अच्छे से फॉलो करें। एरर, डायमेंशनलेसेस, इक्वेशन ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्जी, थर्मल फिजिक्स, वेव्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, YDSE, इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। लोग एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स को ऐसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यार NTA NCERT ओरिएंटेड पेपर बनाता है और NCERTs में तुम सब जानते हो कि कितना ज़्यादा वजूद है, कितना ज़्यादा महत्व है एक तरह से देखा तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का। और इन सब के अलावा देखो यार हमारे पास एक दो और टॉपिक भी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है ना, प्लस ग्रेविटेशन होता है। यदि इन दोनों में से हमसे कोई भी एक भी टॉपिक बन रहा तो हम अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं कि दोनों टॉपिक से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक यदि हम लास्ट टाइम पर टारगेट करें तो आसानी से 15 डेज में पर डे के हिसाब से 1 टॉपिक अपन कवर कर सकते हैं। और इन सब से हम ऐसा मान सकते हैं कि मिनिमम एटलीस्ट 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब तुम पूछोगे कि भैया आप ऐसा कैसे बोल पा रहे हो, क्योंकि ये तो आधी फिजिक्स भी नहीं है, आपने ऑप्टिक्स यहाँ पे कहीं पे लिया ही नहीं बहुत ज़्यादा, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं लिया है ना, आपने कैपेसिटर नहीं लिया, मतलब कुछ भी ऐसा आपने नहीं लिया है ना। उसके अलावा आपने NLM, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन ये सब तो छोड़ ही दिया ऑलमोस्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि NCERT के सेकंड पार्ट में 12th के बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से यार जनरली से 3 क्वेश्चन भी देखने को आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, इनसे कंफर्म क्वेश्चन देखे जा रहे हैं और ये दोनों टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग करने चाहिए आपको। इसके अलावा वेव्स में आपका डॉपलर इफेक्ट, साउंड वेव एंड वेव ऑन स्ट्रिंग। ओके, ये हमें टॉपिक्स करने अच्छे से करने। ओके, अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स उठा सकते हैं, ठीक है ना, जैसे पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है, स्क्रू ग्रेज है ना, वर्नियर कैलिपर है, कुछ भी है। और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में जो ढेर सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, जैसे सरलेस एक्सपेरिमेंट, लेंस डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट, क्लियर है, और लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड है ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, तो उन सारे के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए।
इक्वेशन ऑफ मोशन जनरली मात्र 4 इक्वेशन है, बस उनपे बेस्ट क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। वहीं से आप ग्राफ का भी लिंक बना सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम के एप्लीकेशन पे 100% क्वेश्चन आता है। एरर डायमेंशनलिसिस 101% चांसेस है कि इनमें से एक या दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है ना। आइदर सेंटर ऑफ मास से आएगा या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से आएगा, लेकिन मेजर टाइम देखा गया कि एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और थर्मल फिजिक्स, सो हमें इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना। अच्छा, अब बात ये आती है कि भैया ये तो आपने टॉपिक की लिस्ट बता दी, आप ये बताओ कि हमारे लिए हम कहां से तैयार करें लास्ट के 15 दिनों में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मास्टर प्लान का मतलब ये बस थोड़ी होता है कि आपने टॉपिक से लिस्ट दे दिया और हमारे नंबर आ जाएंगे, और क्या भरोसा यार कि ऐसा ना आए, ठीक है ना। तो देखो यार, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे साथ तुम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना, ये तुम्हारे लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ दिस विल बी टू मच इम्पोर्टेंट, ओके। जो अभी आपके सामने एक लिस्ट खुली हुई है पूरी, आप लोग देख सकते हो, देयर इज अ लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। आप पूरा ध्यान से देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मेगा रिविजन सीरीज, कैलोरी मेट्री, है ना, मेगा रिविजन सीरीज एरर, मेगा रिविजन सीरीज वर्क एनर्जी थ्योरम, मेगा रिविजन सीरीज सेंटर ऑफ मास, मेगा रिविजन सीरीज मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, मेगा रिविजन सीरीज सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, साउंड वेव, डॉपलर इफेक्ट, वेव्स, है ना। ये सारा चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इन अपकमिंग डेज में। इन सारे लेक्चर्स का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप में से भी कोई चाहे तो मेरी प्रोफाइल सर्च कर लो अनअकैडमी में, कार्तिके पांडे, ठीक है, सर्च कर लो कार्तिके पांडे अनअकैडमी में, जस्ट सिंपली सर्च कर लो कार्तिके पांडे और वहां पे जाके मुझे फॉलो कर लो। और फिर वहां पे जाके देखोगे आप लोग कि जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे स्क्रॉल करने पे जब आप स्पेशल क्लासेस ओपन करोगे, व्हेन यू विल ओपन स्पेशल क्लासेस सी ऑल, जब आप सारी क्लासेस ओपन करोगे यू विल कम टू नो कि यहाँ पे हमारे उन सारे क्लासेस का इवेंट ऑलरेडी लगा हुआ है। ये देख सकते हो इन सारे क्लासेस का इवेंट लगा हुआ है, तो आप कोई भी क्लास ओपन करिए और उसमें जा करके नोटिफाई में क्लिक कर लीजिएगा। कोई भी क्लास आपको, जिस क्लास को भी करना है, जो भी टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है मान लो, या फिर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यार चलो भैया के साथ हम प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेते हैं, क्लियर है, तो ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है मेगा रिविजन सीरीज सेंटर ऑफ मास, इन दिस क्लास कार्तिके पांडे विल डिस्कस सेंटर ऑफ मास, ओके। ये 7 दिनों बाद लाइव होने वाला है, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे आएगा नोटिफाई का ऑप्शन, आप वहां पे क्लिक कर दीजिए, आपको अपने आप अनअकैडमी नोटिफाई करेगा, क्लियर है, आपको अपने आप अनअकैडमी उस क्लास के बारे में बताएगा। सो मेक श्योर कि आप सारे क्लासेस में इवेंट अपने, मतलब सारे क्लासेस के इवेंट अपने सेट कर लो, आप मिस ना करो, क्योंकि यदि आप मिस करोगे तो ये लास्ट चांस है, हो सकता है इसके बाद ये चांस ना मिले। और इन सब के अलावा हम ऐसा बस नहीं कि हम लोग थ्योरी बस पढ़ लेंगे, थोड़े मोटे न्यूमेरिकल कर लेंगे, नहीं, उसके अलावा मैं पेपर डिस्कशन भी कर रहा हूँ डेली। आप ये देख सकते हो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जेईई मेन पेपर डिस्कशन, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जेईई मेन पेपर डिस्कशन, क्लियर है, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जेईई मेन डिस्कशन, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर जेईई मेन डिस्कशन, मतलब मैं हर एक बार का पेपर उठा रहा हूँ और उसको डिस्कस कर रहा हूँ, क्लियर है। तो हम लोग मॉर्निंग टाइम में सुबह 11:30 बजे ये क्लासेस किया करेंगे, और इसके बाद ऐसा नहीं कि बस क्लास करके हमने खत्म कर दिया, नहीं, इसके बाद हम एक पेपर डिस्कशन भी किया करेंगे। सो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इवेंट फिक्स कर लीजिए, ये सारे क्लासेस मैंने पहले से ही लगा दिए हैं, जिससे कि किसी बच्चे का कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रहे कि अरे यार ये होगा कि नहीं होगा। अच्छा, दूसरा चीज ये कि यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स और कुछ टॉपिक्स अभी इवेंट नहीं लगे हुए, तो वो इवेंट अभी मैं आज शाम तक लगा दूंगा, उन इवेंट्स को भी जाके नोटिफाई पे क्लिक कर लीजिएगा। सो दिस इज द मास्टर प्लान, मतलब यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी मैंने आपको नहीं बताई, बस मैंने आपको सीधा सीधा कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड मेहनत करो मेरे साथ आकर के, इन टॉपिक्स को करने के बाद मैं आप लोगों को सेम टाइम पे इन सारे टॉपिक्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग को दिखाऊंगा। देन यू विल रियलाइज कि अच्छा यार ये सच बोल रहे थे भैया कि लास्ट के कुछ ईयर से बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो हम यदि इन टॉपिक्स को भी कर लेते हैं तो हम अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं कि इवन नाउ हम अपने 60+ मार्क्स के मतलब जोन में पहुंच सकते हैं आसानी से 60+ मार्क्स। और यदि मान लो 10-20 पहले से आ रहे थे तो हम 80+ भी पहुंच सकते हैं, 80+ मार्क्स भी पहुंच सकते हैं। सो बस आप लोगों को कुछ अलग से नहीं करना है, जस्ट आपको बस चीज़ों को बेसिक से थोड़ा थोड़ा करके फॉलो करना है और मेरे साथ बने रहना है, क्लियर है, इन अपकमिंग 15 डेज। मेक श्योर कि आप क्लास में जरूर आए, ओके, मेक श्योर, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लेना अभी के अभी, क्योंकि आप तो भाई जेईई मेन के लिए आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा फ्री हो रहा हूँ। और देखो वो ये रहा था ना कि यूट्यूब में बहुत क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैंने उसको सॉल्यूशन निकाल दिया कि चलो अनअकैडमी तो रेगुलर क्लास ले रहा हूँ, तो ऐसा करता हूँ कि पूरा जेईई मेन डेडिकेटेड कोर्स ही लॉन्च कर देता हूँ, एंड आई हैव, ओके, थैंक यू, सी यू इन क्लासेस।